नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से भरा नामांकन। देशवासियों से शांतिपूर्वक वोट डालने की अपील। प्यार और समर्थन के लिए काशीवासियों का जताया आभार। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रचार चरम पर। सोमवार को 9 राज्यों की 71 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। चारधामों के पौराणिक यात्रा मार्गों को खोजेगी उत्तराखंड एसडीआरएफ। मार्गों का पता लगाने के लिए एसडीआरएफ के दो दल रवाना। इन पौराणिक मार्गों पर तलाशी जाएंगी। पर्यटन की संभावनाएं। और प्रदेश में 30 अप्रैल से फिर शुरू हो सकता है बारिश का दौर। बारिश से पहले बढ़ेगा तापमान। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। अब खबरें विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं सभी मतदाताओं से प्रार्थना करूंगा कि सभी मतदाता जहां जहां चुनाव बाकी हैं शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र के उत्सव में मतदान करें। काशी की जनता का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि जो प्यार और आशीर्वाद काशीवासियों ने दिया है मैं पूर्वक उनका आभार व्यक्त करता हूं। इस सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के अजय राय और समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव चुनाव मैदान में हैं। और इसमें सबने मतदान करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मतदान करना चाहिए और लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए, सरकार मजबूत बनानी चाहिए और देश मजबूत करने के लिए मतदान करना चाहिए। उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज बिहार के समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस की न्याय योजना से सबसे ज्यादा फायदा बिहार की जनता को होने वाला है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का प्रचार चरम पर पहुंच गया है। इस चरण में 9 राज्यों के 71 निर्वाचन क्षेत्रों में सोमवार को मतदान होगा। इस चरण के लिए कल शाम प्रचार समाप्त हो जाएगा। विभिन्न दलों के स्टार प्रचारक देश भर में दौरे कर रहे हैं। चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीट, बिहार में 5, पश्चिमी बंगाल में 8, महाराष्ट्र की 17 सीटों, राजस्थान की 13, मध्य प्रदेश 6, झारखंड की 3, उड़ीसा की 6 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में बीजेपी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय दलों के साथ साथ यूपी में सपा बसपा के महागठबंधन, बिहार में राजद जदयू लोजपा रालोसपा, बंगाल में वामदल और तृणमूल कांग्रेस की भी साख दांव पर लगी है। उत्तराखंड एसडीआरएफ चार धामों के पौराणिक यात्रा मार्गों को खोजने का काम करेगी। पुलिस मुख्यालय ने एसडीआरएफ के दो अनुभवी दलों को जीपीएस और नक्शे के साथ इन पौराणिक मार्गों की खोज पर भेज दिया है। कई वर्षों पहले बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्राएं पैदल ही हुआ करती थी। ये यात्रा ऋषिकेश से आरंभ होकर अलग अलग पड़ावों में पूरी हुआ करती थी। उस वक्त श्रद्धालु ये यात्रा लगभग 1 महीने में पूरी कर पाते थे। उत्तराखंड सरकार विलुप्त हो चुके इन पौराणिक चारधाम मार्गों को खोज रही है। पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कुमार की माने तो इन पौराणिक मार्गों के खुलने से श्रद्धालु एडवेंचर और ट्रैकिंग के साथ तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं। देखिए, हमने एसडीआरएफ की दो टीमों को बद्रीनाथ और केदारनाथ जी के पौराणिक रूट्स मार्गों पे भेजा है। उसका वो पूरा सर्वे करेंगे, स्टडी करेंगे, हर तरह से सर्वेक्षण और अध्ययन करेंगे। जो आप जानते हैं, जो पैदल रास्ता होता था पहले, यात्रा को लगभग 1 महीने की यात्रा माना जाता था, तो उन पे इनको भेजा है कि वो कितना अभी फंक्शनल है, कितना नहीं है और क्या क्या, इवन वो जो है इसमें कल्चरली भी इसको देखेंगे, पौराणिक रूप से भी देखेंगे, वहाँ पे कौन से स्थान पड़ते हैं, कौन से मंदिर पड़ते हैं, क्या उसका वो है। तो ये दो टीमों को भेजा है हमने। पहले चरण में एसडीआरएफ की दो टीमें इन मार्गों का सर्वेक्षण कर रही है। इनको खोजने और पर्यटन के नक्शे पर लाने का काम अगले साल तक पूरा हो जाएगा।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन और SCERT की ओर से इनोवेशन इंस्पायर अवार्ड के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। आवेदन ई मैनेजमेंट इंस्पायर अवार्ड मानक पर किए जाएंगे। पोर्टल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग वेबसाइट पर उपलब्ध है। इंस्पायर अवार्ड के लिए कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी अपने आइडिया विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। मॉडल के सिलेक्ट होने के बाद विद्यार्थी को उसे और बेहतर बनाने के लिए 10,000 रुपये की धनराशि भी दी जाती है। उत्तराखंड में इंस्पायर अवार्ड की नोडल अधिकारी और निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण शिक्षा विभाग सीमा जौनसारी ने बताया कि गत वर्ष उत्तरकाशी के ऋतिक चमियाल समेत 3 छात्रों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ था, जबकि 3 विद्यार्थियों और एक शिक्षिका को जापान जाने का अवसर मिला। प्रदेश में पिछले कई दिनों से मौसम में लगातार बदलाव जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 30 अप्रैल से प्रदेश भर में बारिश का दौर शुरू हो सकता है। उससे पहले तापमान में 2 से 3 डिग्री तक का इजाफा होने से लोगों को गर्मी भी परेशान करेगी। इन दिनों राज्य के मैदानी इलाकों में जहां दिन भर गर्मी और सुबह शाम तापमान में कमी से लोग बीमार हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बूंदाबांदी से फसलों पर विपरीत असर पड़ रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान किसानों को प्रभावित कर सकता है। इन दिनों गेहूं की कटाई का दौर चल रहा है, बारिश के कारण परेशानियां हो सकती हैं। मौसम की अगर बात करें तो आज 26 अप्रैल हो गया है और इस समय जो टेम्परेचर है कल तक की अगर मैं बात करूं तो करीब नॉर्मल के आसपास ज़्यादातर जगहों में पहुँच गए हैं, और अभी जो आने वाले 3 से 4 दिन हैं उसमें थोड़ी बढ़ोतरी और अभी तापमान में होगी, और ये जो बढ़ोतरी 2 से 3 डिग्री तक जो है ज़्यादातर जगहों में देखने को मिलेगी, और उसके बाद फिर 30 तारीख से जो है 30 अप्रैल से जो है फिर से रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी शुरू होने वाली है, और 1-2 में आप देखेंगे कि 1-2 तारीख में भी वो कंटिन्यू करेगी। 1 तारीख में खासकर जो है पूरे प्रदेश में रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य और सेवाओं को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए आज स्वास्थ्य और सचिव नितेश झा की अध्यक्षता में स्वास्थ्य निदेशालय में एक बैठक की गई, जिसमें अपर सचिव युगल किशोर पंत समेत सभी जिलों के CMO और स्वास्थ्य निदेशक मौजूद रहे। स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर RK पांडे ने बताया कि इस बैठक में सभी जिलों की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की गई, साथ ही पिछले कुछ समय से जो उपकरण खरीदे गए उनकी रिपोर्ट भी मांगी गई। 1 मई से नए सिरे से शुरू होने जा रही 108 सेवा को सही ढंग से संचालित करने के लिए सभी CMO को इमरजेंसी प्लान तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। आज जो मीटिंग हुई है सचिव साहब की अध्यक्षता में, वो ओवरऑल हमारे हेल्थ सिस्टम के बारे में हुई है, जिसमें हमारे डिफरेंट हॉस्पिटल्स के बारे में बात हुई, वहाँ पर हमारे स्टाफ क्या अवेलेबल है, कहाँ से हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जो डॉक्टर्स हमारे मेडिकल कॉलेज से पास आउट होके आए हैं उन्हें हम कहाँ प्लेस कर सकते हैं, उनका कहाँ से बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसके अलावा इक्विपमेंट्स जो हमने दे दिए वो इंस्टॉल हुए गए कि नहीं हो गए, और अगले साल हमें क्या परचेज करना है, उनसे सब रिक्वायरमेंट मांगी गई है। इसके अतिरिक्त 108 के बारे में बात हुई है अवेलेबिलिटी के बारे में, ताकि 1 मई से वो सुचारू रूप से काम करने लग जाए, और सारे हर CMO को ये भी कहा गया कि अपना एक इमरजेंसी प्लान बना लें, अगर कोई दिक्कत आएगी तो अपने लोकल स्तर से उसका इंतजाम करें। कौशल विकास केंद्र गोपेश्वर में ग्रेजुएशन डे का आयोजन किया गया। कौशल विकास केंद्र से प्रशिक्षण लेकर पास आउट होने वाले 40 युवाओं को प्रमाण पत्र दिए गए। कार्यक्रम की शुरुआत जिला महाप्रबंधक महावीर सजवान ने की। उन्होंने कहा कि कौशल विकास के जरिए युवाओं को तैयार किया जा रहा है। समिति के उत्तराखंड प्रोजेक्ट हेड अरविंद रावत और क्षेत्र प्रमुख भावना कटारिया ने कहा कि प्रदेश भर में कौशल विकास केंद्रों के जरिए युवाओं को महंगे होटल मैनेज और अन्य कोर्स घर पर ही कराए जा रहे हैं। तो हम लोग एक्चुअली एक ग्रेजुएशन सेरेमनी है, पास आउट तो हम लोग अभी तक 1.5 साल के अंदर हम लोग 220 बच्चे को ट्रेनिंग दिया है, इसमें से 140 बच्चे कंप्लीट कर चुके हैं और 70 बच्चे अभी लर्निंग कर रहे हैं। इसमें से अंदर हम लोग अभी 31 बच्चे को हम लोग ग्रेजुएशन सेरेमनी कर रहे हैं। बहुत अच्छा, यहाँ पे बच्चों ने बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है, तो हमारे सारे बैचेस में पूरा, जैसे हमारे पास कॉमी शेफ में हमारे हम लोग एक टाइम पर 3 मिनट के 20 बच्चों को दे सकते हैं, उसी तरह हमारा जो दूसरा प्रोग्राम है उसमें हम लोग करीब 40 बच्चे ले सकते हैं। सब मिलाकर हमारे पास इतना अच्छा रेस्पॉन्स है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं और वो इस तरह की ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं।
चमोली जिले में 2017 में कौशल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। जिले में अब तक 164 युवाओं को इन केंद्रों के जरिए रोजगार मिल चुका है। वन विभाग ने आग की घटनाओं से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। कर्मचारियों को अलर्ट पर रखा गया है। पिछले कुछ दिनों से तापमान बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। अब तक फायर सीजन के दौरान 30 घटनाओं में 40 हेक्टेयर क्षेत्र और 51,000 की वन संपदा का नुकसान हो चुका है। वनाग्नि पर काबू पाने के लिए प्रदेश में 40 डिवीजनों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जिससे आग लगने की सूचना जल्द मिल सके और टीमों को जल्द रवाना किया जा सके। प्रमुख वन संरक्षक जयराज ने बताया कि फायर सीजन 15 फरवरी से शुरू होता है। इस बार बीच बीच में हो रही बारिश के कारण दुर्घटनाएं कम हो रही हैं। उन्होंने बताया कि 85,000 हेक्टेयर में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, साथ ही 700 किलोमीटर में फायर लाइन की सफाई भी की गई। आग की सूचना पाने के लिए 40 डिवीजनों में कंट्रोल रूम और 1,437 क्रू स्टेशन भी बनाए गए हैं। उत्तराखंड के समाचारों में इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से भरा नामांकन। देशवासियों से शांतिपूर्वक वोट डालने की अपील। प्यार और समर्थन के लिए काशीवासियों का जताया आभार। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रचार चरम पर। सोमवार को 9 राज्यों की 71 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। चार धामों के पौराणिक यात्रा मार्गों को खोजेगी उत्तराखंड एसडीआरएफ। मार्गों का पता लगाने के लिए एसडीआरएफ के दो दल रवाना। इन पौराणिक मार्गों पर तलाशी जाएंगी पर्यटन की संभावनाएं। और प्रदेश में 30 अप्रैल से फिर शुरू हो सकता है बारिश का दौर। बारिश से पहले बढ़ेगा तापमान। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।